इधर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन भाजपा नेता ही संकल्प के बीच रोड़ा बन रहे हैं। मामला सागर का है, यहां प्रशासन ने सत्ता किंग वीरू जैन के अवैध निर्माण को ढहाने की कार्यवाही शुरू की तो भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने ही सीएम शिवराज के फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया। एंटी माफिया अभियान के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखे तो वहीं विधायक ने कार्यवाही को अनुचित करार देते हुए जिला प्रशासन पर अमानवीय तरीके से भय का माहौल बनाने के आरोप लगाए और मामले में प्रशासन की कार्यशैली की शिकायत सीएम शिवराज से करने की बात कही। आपको बता दें कि विधायक जिस सत्ता किंग वीरू जैन के पक्ष में मैदान में उतरे वो आईपीएल के दौरान कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा था और उसके खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं। पहले आईपीएल का सट्टा पकड़ा गया भीतर बाजार में, जिसमें मुझे आरोपी बनाया गया। मैं आरोपी आप ही है? नहीं, मेरा तो कुछ है नहीं, नाम लेने से मैं आरोपी हूँ। मैं आपसे श्रीमान जी प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मेरा कहीं तक आप भी अगर मुझे कर दे तो जो सजा दे फांसी पर। पुलिस ने तो बनाई दिया ना भाई, तो रोज मेरे घर आई है। आखिरी में 1 लाख रुपए लेके उपमा सिंह ने 1 लाख रुपए लिए इस बात की घर नहीं आएंगे। ये अवैध कार्रवाई और साथ में आपराधिक कार्रवाई है, जो पुलिस के अनुसार जो रिपोर्ट मिली थी कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते थे, इस कारण भी है जिसमें कार्रवाई की गई। इस विषय को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से बात करने वाला हूँ कि हम चाहते हैं कि इस आपराधिक तत्व जो है निश्चित रूप से ह्रास होने चाहिए, उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो आम शहरी है उसमें उनके अंदर कोई भय का वातावरण नहीं होना चाहिए।